सॉरी आपको तंग करने। वैसी न कहीं कर दे उलझाओ ये इरफान का, ढूंढता खुदा को हूँ खोज मिलता है इंसान का। जितने भी इंसान खुदा की तलाश में निकले हैं वो सब इंसान तक पहुँचे हैं। हाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक मेरे ईमान के मुताबिक आपके ईमान के मुताबिक वो वाहिद हस्ती है जो काबा कौसैन तक पहुँची जी, बाकी तो सारे इंसानों तक पहुँचे हैं जी। यही है इंसान मिलता है और इंसान के रूप में जो है वो अल्लाह सही जो है वो मिलता है। कभी साहिल के रूप में मिल गया, कभी मेहमान के रूप में मिल गया, कभी मुसाफिर के रूप में जो है वो मिल गया। हम सब कुछ अल्लाह से मांगते हैं, अगर कभी हम अनकॉन्शियसली अपनी दुआओं का वो मुहासबा करें एहतसाब करें तो हमें ये पता चलेगा कि माँ सिवा अल्लाह के हम उससे सब कुछ मांग लेते हैं कि अल्लाह हमें तू नहीं चाहिए बाकी सब कुछ चाहिए। क्योंकि हमें शायद ये डर लगा रहता है कि अगर अल्लाह मिल गया तो बाकी दुनिया जो है वो कुछ नहीं जो है वो रहेगी। तो ये दुनिया तो बना ही इंसान के लिए गई है और अल्लाह ही ने बनाकर जो है वो दी है और इसकी तस्खीर है। गिनने वाली चीज़ जो है वो पैसा नहीं है, गिनने वाले चीज़ जो है वो सांस हैं, कितने रह गए हैं जी। तो इंसान ही मिलता है मेरे हजूर इस पूरी खोज में। खोज जा रही है रहमत अल आलमीन के बाद फिर मुझे खोज जो है वो कोई जारी नहीं है। उस इंसान कामिल के मिल जाने के बाद, उस ज़ात के ऊपर ईमान आ जाने के बाद और इस हद तक मोहब्बत हो जाने के बाद कि जहाँ पर माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत,